हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल डेली सफर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीजन 4 वापस से शुरू हो चुका है और इस बार का थीम भी बेहद स्पेशल है, जब दिल करे डांस कर। जहां जजेस के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं कि करिश्मा कपूर, टेरेंस लुइस और गीता कपूर जजिंग पैनल में रहेंगे। और इस बार का शो का पैटर्न ENT यानी एंटरटेनमेंट, न्यूनेस और टेक्निक के हिसाब से चलेगा। जिसके डांस में होगा ये तीनों का मसाला, वही आगे बढ़ेगा। देश के कोने कोने से आए ऑडिशन देने कंटेस्टेंट जजेस को अपने मूव से इम्प्रेस कर रहे हैं और सिर्फ कंटेस्टेंट ही नहीं, ऑडियंस भी इम्प्रेस करने में लगी पड़ी है। जी हाँ, दरअसल शो के दौरान ही होस्ट जय भानुशाली और अनिकेत चौहान ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा शो में ट्विस्ट लाते हैं और ऑडियंस में से 3 लोगों को इन्वाइट किया गया स्टेज पर आकर डांस करने का। तभी एक लड़का दिव्य ज्योति नायक, जो कि कटक ओडिशा से है, जिसने अपने पॉपिंग विद बॉलीवुड डांस से जजेस को शॉक ही कर दिया, क्योंकि किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऑडियंस में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इतने अच्छे डांसर्स हों। अभी यहां से फिर आगे क्या होगा? A show like this needs a talent like this. अब गीता ने दिव्य ज्योति की काफी तारीफ भी की और ये भी बताया कि दिव्य ज्योति कोई नॉर्मल डांसर नहीं बल्कि ओडिया यानी कि हॉलीवुड के फेमस कोरियोग्राफर भी हैं। सभी दिव्य ज्योति की क्रिएटिविटी से काफी इंप्रेस हुए। दिव्य ज्योति को जब ये प्यार मिला तो उनकी आंखों में काफी खुशी देखी गई। अब आपको क्या लगता है कि दिव्य ज्योति को क्या मेगा ऑडिशन में चांस मिलेगा या नहीं, ये हमें कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।